Good morning, student. How are you all? And I hope you are doing well and free from corona. ठीक है. And one my heartily request to you guys keep stay at home. Don't move out and without any necessary reason. ठीक है. Because right now is corona is completely मतलब उसने कि कोरोना ने सबको पूरी तरह से इस तरह से पकड़ लिया है. जो अल्टीमेटली जो उसमें आ रहा है वो भी, और जो नहीं आ रहा है अननेसेसरी नुकसान ही हो रहा है. तो मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज किसी भी तरीके से अपने आप को कोरोना के मतलब कोरोना के इम्पैक्ट में ना आने दे. ठीक है, चलिए. खैर, आप पढ़ते हैं हम आगे. सबसे पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट माय स्लाइड इज, आपको पता है राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द कि आपका न्यू चैप्टर इज एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइज, बिकॉज एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर पोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस विद यू गाइज. बिकॉज एयर, हमें ऐसा लगता है कि जो एयर है अगर वो पोल्यूटेड है तो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं. सबसे ज्यादा जो भयंकर डिजीज है, कैंसर एंड ऑल, ये सब एयर की वजह से है. क्योंकि एयर पूरे के, क्योंकि विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव. ठीक है, एंड इफ तो क्या आपका एयर इज पोल्यूटेड, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी ऑलरेडी क्या आपका इनटेक या इनहेल द क्या आपका पोल्यूटिंग एयर, पोल्यूटेड एयर, और वो एयर अल्टीमेटली आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होती है. ठीक है, और वो एयर आपके हर जगह क्या है, एग्जिस्टेंस के अंदर है. तो अल्टीमेटली वो आपके खाने में भी है, आपके घूमने में भी है, सब जगह वो क्या है, आपकी व्याप्त है. तो अल्टीमेटली वो आप लोगों को पूरी तरीके से क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है. तो इसके साथ ही एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस एक्ट का जो पर्पस है. एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट विद अ व्यू टू कैरिंग आउट द फॉरसेट पर्पस ऑफ बोर्ड फॉर कंफर्निंग एंड असाइनिंग टू सच बोर्ड पावर एंड फंक्शन रिलेटिंग टू एंड फॉर मैटर कनेक्टेड विद. बिल्कुल सीधी सी बात है, इस एक्ट का जो पर्पस है वो अल्टीमेटली एयर के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको खत्म करना है. क्योंकि पॉल्यूशन के को मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. मैंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी बताया था, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया है. तो मैं अब आपको एयर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर भी बताऊंगी, जिसमें अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊंगी जो पॉल्यूशन है वो क्या होता है, कि जो एक नेचुरल चीज है उसके अंदर जो नेचुरल कंटेंट है, अगर उनसे डिफरेंट चीज आकर उसमें मिल जाती है, उसके अंदर डिफरेंट जो मतलब तत्व है वो आकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ब्लास्ट होता है. ठीक है, तो सेम वही वाली बात है. एयर में अगर उसका जो नेचुरल क्या है, जो उसके अंदर नेचुरल चीजें हैं वो आकर अगर मिल जाती हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, पोल्यूशन होता है. ठीक है, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन, सॉरी. खैर, नाउ बैक टू अवर क्या आपका एयर पोल्यूशन एक्ट, जिसमें आपने को मैंने बताया कि अल्टीमेटली जो इस एक्ट का पर्पस है वो अल्टीमेटली एयर में से उन पोल्यूशन फैक्ट्स को क्या करना है, खत्म करना है, उन फैक्टर्स को खत्म करना है जो अल्टीमेटली हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं. ठीक है, एंड वेयर द डिसीजन टेकन एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस. बिल्कुल, सबसे पहले जो एयर पोल्यूशन के ऊपर एक्ट बनाने का डिसीजन लिया गया था वो यूएन ने लिया था, जहां पे बेसिकली ह्यूमन एनवायरमेंट को लेकर बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी, जो कि सबसे पहले हेल्ड हुआ था स्टॉकहोम में. ठीक है, इन जून 1972, इन विच इंडिया, जिसमें क्योंकि आपको पता है यूएन का पार्ट इंडिया भी है, तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था. और वहां पर अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द क्या प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट विच अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड द प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. क्योंकि आपको मैं बता दूं ऐसा क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बताइए, कोई भी प्लैनेट है, आज तक साइंटिस्ट इतना सर्च कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट है जिसके ऊपर, कोई सा भी प्लैनेट जिसके ऊपर ना एयर है, मतलब ह्यूमन के रहने के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो वहां पर सर्वाइव ही नहीं करती हैं. तो अल्टीमेटली तभी हम किसी भी और प्लैनेट पर जाकर क्या नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, बट वही कहना क्वालिटी ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, सीधी सी बात है. वेयर इट इज के आप कंसीडर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द कैप डिसीजन ऑफ फॉर इन सो फार एज रिलेट टू प्रिजर्वेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ द कैप का एयर पॉल्यूशन. अब इसमें क्या है, कई सारे चैप्टर्स हैं, 1 2, मतलब उसमें जिसमें वो जैसे बहुत कुछ ही मिलेगा आपको, मतलब आधी चीजें यू ऑलरेडी रेड आप पढ़ चुके हो उसमें. ठीक है, सबसे पहले एयर पोल्यूटेड,
कोई भी सॉलिड लिक्विड गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन सच कंसेंट्रेशन एज बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल कोई भी ऐसा तत्व चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो गैसेस सब्सटेंस के रूप में हो, चाहे नॉइज एंड ऑल, ठीक है, जो अल्टीमेटली जो एयर की प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें जाकर जब वो मिलता है और वो क्या करता है, डिजास्टर करता है, तो वो क्या बना देता है, एयर को पोल्यूटेड बना देता है, तो वो क्या हो जाते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो जो थिंग्स होती हैं वो एयर पोल्यूटेंट होते हैं. एयर पोल्यूशन जब एटमोसफेयर में जो हमारा एयर होता है उसमें पोल्यूशन प्रेजेंस होता है तो उसे बोलते हैं एयर पोल्यूशन. अप्रूव्ड अप्लायंस, बिल्कुल सही बात है, तभी तो एक बात सुनी, जितनी भी है आपकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके लिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि किसी भी तरीके से आप कोई भी ऐसा अप्लायंस इस्तेमाल नहीं करेंगे जो डिसअप्रूव है, ठीक है. आप लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एयर को पल्यूट करने के फैक्टर्स हैं वो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज नहीं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, घरों से तो इतना पोल्यूशन निकलता नहीं है, निकलता तो किससे, फैक्ट्रीज वगैरह से है. तो मीन्स एनी इक्विपमेंट गैजेट यूज फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ एनी कम्बेस्टेबल मटीरियल फॉर के आपको, क्योंकि सीधी सी बात है आपके जो जितने भी फैक्ट्रीज हैं वहां पे कुछ ना कुछ तो क्या करते हैं, बर्न करते ही करते हैं, तो वो बर्न आपका ये क्या करते हैं, उस बर्न का जो मतलब स्मोक होता है उसको निकालने के लिए आपके चिमनियां लगा देते हैं अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो जो धुआं होता है वो ऊपर वो एयर में जाता है, तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है उससे एयर क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है. तो वही वाली बात कि चिमनी ऐसी लगाई जाए जो अल्टीमेटली जो उसके अंदर हजारों सब्सटेंस हैं, उस स्मोक के अंदर जो हजारों सब्सटेंस हो वो वहीं पर ही क्या कर दे, बर्न कर दे. तो ऐसे अप्लायंसेस का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए. एंड अप्रूव फ्यूल, बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई क्या कहते हैं, जो स्मोक निकलेगा, जो धुआं निकलेगा जब जलेगी कोई चीज, तो वो तब खतरनाक ज्यादा होगा जब हम गलत फ्यूल क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. तो फ्यूल तो हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए जो अप्रूव्ड हो. एनी फ्यूल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गुड फॉर द पर्पस ऑफ द क्या आपका एक्ट. ऑटोमोबाइल मींस एनी व्हीकल पावर्ड इधर बाय इंटरनल कंबस्टन इंजन और बाय एनी मेथड ऑफ जनरेटिंग पावर टू ड्राइव सच व्हीकल बाय द बर्निंग फ्यूल. ऑटोमोबाइल तो वही होता है, एनी व्हीकल पावर्ड इधर बाय द इंटरनल कंबस्टन, जैसे हमारे जो कार वगैरह होती है तो इसका पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल. और ये क्या है, ये भी कम पॉल्यूशन नहीं फैलाते, तभी तो आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी कारें हैं, जितने भी आपके, अब मुजफ्फरनगर इज वेरी लो सिटी, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है मुजफ्फरनगर में इन सब चीजों को फिर भी इतना कंसिडर नहीं किया जाता, बट यू कांट एंटर विदाउट द क्या आपका पोल्यूशन कार्ड इन द दिल्ली. नो यू कांट, अगर आपके पास पोल्यूशन कार्ड नहीं है, और कार्ड है भी और वो एक्सपायर हो चुका है, तो भी नहीं घुस सकते भाई साहब. आप आपको अपने पोल्यूशन कार्ड को क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, वो तब होता है जब आपने इंजन को बकायदा आप लोगों ने क्या करा रखा है, ग्रीसिंग वगैरह करा रखी है, जो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं फैला रहे, क्योंकि दिल्ली में नहीं, यू कांट एंटर. इनफैक्ट दिल्ली के जितने एनसीआर है उसमें भी आप घुस नहीं सकते बिना उसके, जब तक आपके पास पोल्यूशन कार्ड नहीं है. बोर्ड मीन्स है कि आपका सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड. सेंट्रल बोर्ड आपको पता है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एस्टैब्लिश करती है. चिमनी मैंने आपको पहले बताया था, एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चिमनी. इंक्लूड्स एनी स्ट्रक्चर विद एन ओपनिंग आउटलेट, ठीक है, फॉर्मर थ्रू विच एनी एयर पोल्यूशन में भी क्या आपका एमिटेड. कंट्रोल इक्विपमेंट मीन्स एनी अपार्टस डिवाइस इक्विपमेंट सिस्टम टू कंट्रोल द क्वालिटी मैनर ऑफ एमिशन ऑफ एनी एयर पोल्यूटेंट, इंक्लूड एनी डिवाइस यूज फॉर सिक्योरिंग द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल प्लांट. इसके बाद आपका एमिशन, एमिशन तो वही होते हैं जो इंडस्ट्री से क्या किए जाते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं, तो दैट वर्ड द क्या आपका एमिशन. इंडस्ट्रियल प्लांट मींस एनी प्लांट यूज फॉर एनी इंडस्ट्रियल और ट्रेड पर्पस एमिटिंग एनी एयर पोल्यूटेंट इनटू द क्या आपका एटमोसफेयर, इंडस्ट्रियल प्लांट. डेफिनेटली मेंबर्स means a member of the central board or the state board as the case may be, include the chairman thereof. Occupier, occupier तो बेटा वही जो ultimately industries को चला रहा है या फिर industry का मालिक है, या sometime जो बहुत लोग होते हैं जो बहुत सारे industries खोल लेते हैं, तो वो लोग person in charge किसी particular person को बना देते हैं, तो occupier वो भी होता है. लेकिन relation to any factory premises means that the person who has control over the affairs of occupier, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो मालिक है या नहीं, बट जिसका control है वो occupier है. और the premises include any relation, क्योंकि factories से लेकर जिसके पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसे ऑक्यूपायर बोलते हैं. प्रिस्क्राइब का मतलब तो वही होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी मेंशन करते हैं उसे प्रिस्क्राइब बोलते हैं. एंड द स्टेट बोर्ड मींस रिलेशन टू स्टेट इन विच द क्या आपका वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ क्या आपका एक्ट इंपोज इन स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द स्टेट, ठीक है. State board relation to any other state, the state board for the prevention control of air pollution constituted by the state government, सीधी सी बात, ठीक है ना.
चलिए इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वी शुड डिस्कस इन द गैप पर नेक्स्ट क्लास, और मैं आपसे फिर बोलूंगी यू शुड वॉच द गैप का वीडियो एंड डिस्कस विद मी ऑन द गैप का जूम मीटिंग, बिकॉज इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम गाइस, तो आई ऑलरेडी कि मैं आई ट्राई टू गैप मतलब सॉल्व इन द गैप का जूम मीटिंग, ठीक है? सो बाय गाइस, टेक केयर.